नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विथ अरुंधति। दोस्तों ये देखिए मेरे लैंटना का प्लांट है, ये मजेंटा कलर में है और देखिए कितनी सारी ब्लूमिंग हो रही है और कितनी सारी कलियाँ भी इनमें लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये देखिए मेरे रेड कलर का लैंटना, इसमें भी बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही है। और थोड़ी सी पानी अभी मैंने सुबह नहीं दिया है तो इसको ये थोड़ा सा मुरझा सा गया है, और क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी तो मैंने सुबह पानी नहीं दिया, पर देखते हैं फिर। और ये देखिए दोस्तों, ये एक है येलो कलर का लैंटना है, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है और मैं कुछ कटिंग्स लेके आई थी तो उसकी जो कटिंग्स लगाई थी तभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये देखिए ये प्लांट मेरा लग कर तैयार हो चुका है और रूट्स भी थोड़े थोड़े ऊपर दिख रहे हैं, तो इसको मैं आज एक पॉट में शिफ्ट करूंगी, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। चलिए फिर देखते हैं मैं कैसे इसको पॉट में शिफ्ट करती हूं। ये देखिए दोस्तों, मैं ये प्लांट को लेकर आ गई हूं इस तरफ, यहां पर मैं बैठकर काम करती हूं, तो इसके लिए मैंने ये वाला पॉट लिया है। ये 11 इंच का पॉट है और प्लास्टिक का पॉट है, और इसकी जो मैंने ड्रेनेज होल भी बना रखा है, यहाँ पर 8 ड्रेनेज होल है, इसको मैंने ठिकरी देकर बंद कर दिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने सॉयल मिक्स ली है। कैसे देखिए, ये 3 पार्ट मैंने ली है गार्डन सॉयल, एक पार्ट मैंने ली है रेत, और एक पार्ट मैंने ली है कोकोपीट, थोड़ी सी नीम खली और थोड़ी सी फिटकरी ली है, और यहाँ पर ये एक पार्ट बर्मी कंपोस्ट ली है। इसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बर्मी कंपोस्ट ले लिया है, और ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है तो धीरे धीरे करके ये फिर प्लांट को मिलता रहेगा। और इसमें थोड़ी सी मैंने फिटकरी दी है, फिटकरी तो प्लांट की जो सॉयल है उसमें जो एसिडिक जो कंपोनेंट है उसको सही रखता है, और मिट्टी के में जो पीएच लेवल है उसको भी सही रखता है, और प्लांट को भी एक फर्टिलाइज़र के लिए हैसियत से इसको यूज़ करते हैं प्लांट में। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये सारे जो फर्टिलाइज़र है इसको मिला लिया है। ये देखिए, और दोस्तों ये जो पेंटास का प्लांट है, ये अभी ये हाइब्रिड वाला है, तो अभी ये सॉरी दोस्तों, ये लैंटना है, मैंने गलती से पेंटास बोल लिया। और ये जो लैंटना का प्लांट होता है ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और इसलिए इसको ऐसे कुछ ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी सिचुएशन में कोई भी प्लेस में ये लग जाता है, लेकिन इसको थोड़े से धूप की ज़रूरत होती है, 6 से 8 घंटे की, 7 ना हो तो चलेगा, 6 घंटे की तो धूप चाहिए ही चाहिए, और ये सन लविंग प्लांट होता है। तो पहले दोस्तों इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, और दोस्तों इसको जब मिट्टी जब सूख जाए तभी इसमें पानी देंगे, और एक दिन अगर आप पानी नहीं भी देंगे तो भी ये प्लांट सर्वाइव कर लेता है। ये देखिए दोस्तों, नया प्लांट है, देखते हैं कितनी रूटिंग हुई है इसमें। ये देखिए काफ़ी रूटिंग हुई है, यहाँ पर देखिए इस तरफ काफ़ी रूटिंग हो चुकी है, तो इसको मैं बिल्कुल भी अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरी सॉयल है, मेरे घर का बना हुआ सॉयल है। तो पहले इस पॉट में आधे के करीब आधा गमला अभी ऐसे पॉटिंग मिक्स से भर देते हैं। थोड़े से दबा देंगे हथेली पर या उंगलियों की सहायता से। ये देखिए, इसको यहाँ पर बीच में ही इसको रखेंगे। ये देखिए, ये प्लांट यहाँ पर है तो इस तरफ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इस तरफ करके रखा है ताकि ये बीच में रहे, और अभी इनमें सॉइल फिल कर लेना है। दोस्तों एक बार अगर ये प्लांट आप ले आते हैं तो आप इससे ढेरों सारे प्लांट्स बना सकते हैं, और फ्री में ही बहुत सारे आपके प्लांट्स बन जाते हैं, और समर में तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है,
हाँ, अभी भी ये फ्लावरिंग पर है मेरे प्लांट, आप पहले दिखाया है मैंने दो प्लांट, कितने सारे उनमें फ्लावरिंग हो रही है। और जो हाइब्रिड वैरायटी होते हैं वो विंटर में भी फ्लावरिंग करते हैं, हाँ थोड़ी सी कम हो सकती है पर फ्लावरिंग तो ये करते ही हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट अभी बिल्कुल लगकर तैयार हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये येलो वाले में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है। बहुत दिनों से मेरी चाहत थी कि इसको मैं अपने गार्डन में ऐड करूं, और लकीली मुझे कहीं से ये प्लांट की कटिंग्स मिल गए। ये देखिए इस तरह से ये प्लांट बिल्कुल अभी लगकर तैयार हो गया है। और ये दोस्तों, ये जो प्लांट होता है बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाता है, जैसे कि आपने देखा कि रूटिंग बहुत अच्छी तरह से हुई है। और फिर इसके अगर मैं कटिंग करके इसकी और भी प्लांट लगाना चाहूँ तो बहुत आराम से आसानी से इसको मैं लगा सकती हूँ। तो दोस्तों यही था लैंटाना प्लांट के बारे में एक छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।